गुड आफ्टरनून सिविल सेकेंड ईयर, वेलकम टू RID ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 5 जो है कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले है कि आपका क्या होता है, इसमें सीधे और नमन प्रतिबल होते क्या क्या हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस और जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो होते क्या हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस क्या होते हैं, जो कि किसी कॉलम में मतलब एक्सियल लोड के कारण, किसी भी एक्सियल लोड के कारण अगर किसी कॉलम में जो स्ट्रेसेस उपस्थित हैं उन्हें हम डायरेक्ट स्ट्रेसेस कहते हैं। तो इन्हें पी अपॉन स्ट्रेस मतलब पी अपॉन ए लोड अपॉन एरिया, ठीक है, ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस हो गया। बेंडिंग स्ट्रेसेस जो जिनके कारण जो स्ट्रेसेस जिनके कारण बेंडिंग हो, पहले भी पढ़ाया गया है, वो स्ट्रेसेस बेंडिंग स्ट्रेस कहलाते हैं, जिन्हें हम नमन प्रतिबल कहते हैं। तो अब आगे चलते हैं, जो कि है इसेंट्रिक लोड या इसेंट्रिक लोडिंग या इसेंट्रिसिटी एंड इसेंट्रिसिटी। तो दो अलग अलग वर्ड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार इनकी डेफिनेशन आती ही आती है, ठीक है। तो क्या है कि जब हम किसी क्या कहते हैं किसी भी कॉलम में अगर सेंटर पे उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेक्शन पे अगर लोड पड़े तो उसे एक्सियल लोड कहते हैं, लेकिन जब उसके सेंटर से हटकर किसी दूसरी जगह पे लोड लगे तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इसेंट्रिक लोड। मतलब कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप देख रहे होंगे यहाँ पर लाइन पे, उससे हटकर जो लोड लगा है उसे हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिक लोड कहते हैं, ठीक है। तो हो गया आपका इसेंट्रिक लोड की डेफिनेशन। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इसेंट्रिसिटी किसे कहते हैं, ठीक। तो जैसे कि इसमें कॉलम में देख रहे हैं आपकी एक एक्सियल लोड पी लगा हुआ है पहले वाले उसमें, और दूसरे वाले में इसेंट्रिक लोडिंग लगी हुई है। तो जो डिस्टेंस है इसेंट्रिक लोडिंग और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में, कॉलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसेंट्रिक लोडिंग के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैंने ई से डिनोट कर रखा है, ई से डिनोट कर रखा है। तो इसे ही मैं क्या कहता हूँ, इसेंट्रिसिटी कहता हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ लोड एंड एक्सेस ऑफ द कॉलम, मतलब कि पासिंग थ्रू CG, तो उसे इसेंट्रिसिटी से मैंने डिनोट करा है, ई से स्मॉल ई से इसे डिनोट करा जाता है। तो यही चीज़ है हमारी इसेंट्रिक लोड एंड इसेंट्रिसिटी। अब नेक्स्ट चलते हैं अफेक्ट ऑफ इसेंट्रिक लोड ऑन अ सेक्शन। अब सेक्शन में क्या क्या अफेक्ट पड़ेगा इसका, तो उसे इसेंट्रिक लोड के कारण, तो इसेंट्रिक लोड डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेसेस के कारण होता है, ठीक है, ये तो सभी को पता है। उसके बाद है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब इसमें लगते हैं ऊपर और नीचे से, तो वो कैसा काम करते हैं, कपल की तरह, बल युग्म की तरह काम करते हैं। तो जो किसी बीम को कैसे घुमाता है, वाई एक्सेस के अलोंग क्लॉकवाइज रोटेट करता है, वाई एक्सेस के अलोंग क्लॉकवाइज। तो ये इसका दूसरा इफेक्ट हो गया। थोड़ा सा थ्योरी और है इसमें, आप पढ़िएगा, अफेक्ट ऑफ इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है। इसके बाद है आपका, अब इसेंट्रिक लोड, जो इसेंट्रिक लोड है उसकी कोई लिमिट रहती होगी, मतलब वो कहीं पर मैक्सिमम होती होगी कहीं पर मिनिमम होती होगी, ठीक है। तो इसेंट्रिक लोडिंग की मिनिमम जो एक फॉर्मूला दिया गया है, E equals to और E is less than 2Z upon B। तो इसे हमने, Z क्या है यहाँ पर, सेक्शन मॉडुलस है, किसी भी बीम का सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, इसका सेक्शन मॉडुलस ए एरिया हो गया, बी क्या हो गया इसमें, जो आपका बी इंटू डी लेंथ इंटू विड्थ होती है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ई जो होता है वो बी अपॉन सिक्स होता है, लेस देन बी अपॉन सिक्स, और हॉलो रेक्टेंगुलर मतलब कि जो अंदर से खोखला हो आयताकार सेक्शन, उसके लिए बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब अपॉन 3D डी बी स्क्वायर माइनस डी बी, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका हॉलो के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कुलर के लिए डी अपॉन 8, और हॉलो सर्कुलर के लिए डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8D। तो इस तरीके से आप
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आगे चल के हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि एक हॉलो सर्कुलर कॉलम है, कॉलम कैसा है, हॉलो है, और जो उसका इनर और आउटर डाया है वो आपको दिया गया है 90 और 110, ठीक है। बाहर का डाया ऑब्वियसली बड़ा होगा तो 110 होगा और अंदर का 90 है। अब इसमें बोला गया है कि 30 किलो न्यूटन, सेंटर से 30 किलो न्यूटन दूरी पर आपका क्या है, एक लोड लगा हुआ है 100 किलो न्यूटन का। तो उसमें वो कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या, मैक्सिमम पूछा हो गया है यहाँ पर, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछा गया, मतलब तनाव और संपीड़न प्रतिबल पूछा गया। तो पी दिया हुआ है, पी को हमने किस में चेंज कर दिया, न्यूटन में चेंज कर दिया किलो, क्योंकि सारी की सारी किस चीज़ में, एमएम में है। ई दिया हुआ है 30 mm, एरिया निकाल देंगे पाई बाय 4, डी स्क्वायर निकल जाएगा 110 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बीच का डायर निकालना पड़ेगा। और तो यहाँ पर से जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा वो पी अपॉन ए, मतलब ये तो होगा ही होगा, स्ट्रेस तो लगेगा पी अपॉन ए, और प्लस उसमें क्या हो जाएगा, इसमें कंप्रेसिव पूछा गया तो पी इंटू ई वाई सी। वाई सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस, वाई पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, वो हो गया अपॉन आई। आई क्या है, बी डी क्यूब अपॉन 12 किसी में क्या होता है ऐसे करके, ठीक है। तो वाई निकाल दिया हमने 110/2 जो कि बाहर तक की डिस्टेंस है। अब इसके बाद हमने वैल्यू पुट करी, मैंने यहाँ पर जो 100 किलो न्यूटन था उसे मतलब 000 करके पुट कर दिया ऐसे करके। आप इसे वैल्यू पुट करके एरिया निकाल देंगे, एरिया निकाल के दूसरा आपने अब मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस के लिए भी निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपने कॉम्प्रेसिव में प्लस करा था तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है वो कैसी वैल्यू दिखा रहा है, वो वैल्यू दिखा रहा है आपकी जो डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है। वैल्यू जो नेगेटिव है वो क्या कर रही है कि ए जो है वो विपरीत प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि स्तंभ में संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है, जिसको हमने पॉजिटिव से प्रदर्शित किया है। तो कंप्रेसिव को हमने पॉजिटिव दिखा दिया और टेंसाइल को हमने नेगेटिव दिखा दिया। टेंसाइल में क्या होगा, कम होगा, और कंप्रेसिव में बढ़ेगा। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब जो आपका इसमें टॉपिक है, चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डैम एंड रिटेनिंग वॉल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि डैम वॉल कैसे होनी चाहिए, वाटर प्रेशर लगता है क्योंकि उसमें, विंड प्रेशर लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ डैम में सिर्फ आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इसकी थोड़ा थ्योरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाद या दीवार को उलट, मतलब जो अगर ओवरटर्न करने के लिए उसके जो उसका जो रिजल्टेंट है वो कैसा, मतलब वो बाद या दीवार की आधार से ही गुजरे, मतलब कि क्या होना चाहिए कि जो उसका रिजल्टेंट है वो उसके आधार से निकले, ठीक है। बांध या दीवार की फिसलने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि बांध तथा दीवार के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पानी के संपूर्ण दाब से अधिक होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होना चाहिए, पानी के दाब से अधिक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके क्या कहते हैं इसमें स्टेबिलिटी ऑफ आपकी रिटेनिंग वॉल एंड डैम, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक चिनाई दीवार पर, या आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा इंग्लिश में, कि मैसनरी वॉल 5.0 meter लॉन्ग एंड 3.0 meter वाइड, ठीक है, और इसमें 1.0 meter मोटी है। तो ठोस आयताकार, मतलब ठोस है मतलब कि सॉलिड रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इस पर हवा का क्षैतिज दाब 1200 newton per meter square है, मतलब जो एयर विंड प्रेशर है वो इतना है विंड प्रेशर, ठीक है, और 3 meter चौड़ी फलक पर चढ़ रहा हो तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और चिनाई का घनत्व जो दे रखा है वो इतना दे रखा है। तो सिंपली आपको ये आपको डायग्राम दे रखा है कि इसके लंबाई चौड़ाई मोटाई ये सारी चीज़ दे रखी है। इसमें आपने क्या कर दिया, सबसे पहले दीवार के आधार पर सीधा संपीड़न प्रतिबल, मतलब कि जितना कंप्रेसिव फोर्स दीवार के आधार पर लग रहा है वो आपने निकाल दिया यहाँ पर
रो इंटू एच, तो ये आपने निकाल लिया 22। इसका घनत्व मतलब कि सिंपल डेंसिटी इंटू हाइट उसकी कितनी है, तो वो 5 मीटर थी इंटू 22400 ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो अगर इसे आप न्यूटन पर एमएम में बदलेंगे तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने हवा का दाब निकाल दिया, पी इक्वस टू 1200 × 15, ठीक है। तो इसके बाद आपने अब निकाला कि 2.5 मीटर ऊंचाई की क्रिया पर करता हुआ माना जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकल गया, बेंडिंग मोमेंट एम इक्वस टू ये 18,000 × 2.5। उसके बाद आपने सेक्शन मॉडुलस जेड इक्वस टू 1/6 × 3 × 1 का ये आपने इसका एल इंटू बी कर दिया, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेसेस निकाल दिए कि बेंडिंग स्ट्रेसेस किस तरीके से निकलेंगे, एम अपॉन जेड करके जेड की वैल्यू भी पता चलेगी, एम की वैल्यू भी पता है। तो इसमें आप मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकलेगा क्या क्या प्लस करके, मतलब एक तो आप बेंडिंग स्ट्रेस प्लस करेंगे, एक करेंगे आप उसमें ये अपना जो इसका संपीड़न प्रतिबल है, सीधा संपीड़न प्रतिबल, इतना प्लस करके ये आपका निकल गया मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकलेगा इसमें से इसको माइनस करके सीधे, तो हमारा ये इस तरीके से यहाँ पर मैक्सिमम निकल गया, यहाँ पर मिनिमम निकल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका एक क्या है, चिमनी है, चिमनी का वैसे क्वेश्चंस नहीं है आपके उसमें, आपके उसमें रिटेनिंग वॉल है, तो ये भी एक रिटेनिंग वॉल की तरह ही मान लेंगे, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, मतलब इसका व्यास भी दे रखा है, तो इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली एक क्वेश्चन है कि जो रिटेनिंग वॉल पे आपका आधारित है या डैम पे आधारित है, तो एक 6 मीटर चौड़ा और तथा 14 मीटर ऊंचा आयताकार काट के कंक्रीट की दीवार से बने डैम में 12 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, ठीक है। ये आप डायग्राम देखेंगे अभी। बांध की 1 मीटर की लंबाई को मानते हुए निम्न चीज़ें ज्ञात कीजिए, पानी का कुल दाब उस बिंदु पर को जहाँ भार एवं पानी के दबाव की परिणामी आधार को काटता है, मतलब कि जहाँ पर आर जो है वो किसको काट रहा है, आधार को काट रहा है, उसके बेस को काट रहा है, और आधार पर अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल, ठीक है। तो एच दे रखा है 14 और बी दे रखा है 6 मीटर, ठीक है, बांध की ऊंचाई और बांध की चौड़ाई। अब इसके बाद आपने और पानी की ऊंचाई भी दे रखी है 12 मीटर, कंक्रीट का भार दे रखा है आपको, और बांध से 1 मीटर लंबाई में कुल दाब भी दे रखा है। टोटल प्रेशर आप निकालेंगे पी इक्वस टू WH² / 2 से, ठीक है। P = W 10^4 × 12² करके आप इसे न्यूटन में निकाल देंगे। इस बिंदु की स्थिति जहां परिणामी आधार को काटती है। अब सेकंड केस हम ये ले लेंगे कि जहां पर हमारा जो R है वो यहां पर आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, जहां पर आधार है हमारा, मतलब जो रिजल्टेंट है वो R, वो आधार को काट रहा है, तो आधार डी बिंदु पर काटती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो परिणामी मतलब कि आर है वो आधार को डी बिंदु पर काट रहा है, ABCD बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। ए इक्वस टू क्या है, काट का गुरुत्व केंद्र डी बिंदु की दूरी, ठीक है, काट के गुरुत्व केंद्र की डी बिंदु से दूरी, और डी से कितनी दूरी पर है, और W है कंक्रीट, कैपिटल W है कंक्रीट के प्रति मीटर बांध की लंबाई का भार। तो ये W जो है यहाँ पर से इस तरीके से निकलेगा कि 6 × 14 × 1 × 25500, ठीक है। तो E = यही पहले वाला फॉर्मूला P/W × H/3 से निकलेगा। इसके बाद आपने इसेंट्रिक जो इसेंट्रिसिटी है वो लोड अपॉन W × H/3 से निकलेगा, ठीक है। तो H/3 बिंदु तक आपका क्या है,
पानी भरा हुआ है, तो इसमें वैल्यू पुट करी आपने। अब थर्ड ऑप्शन जो थर्ड पॉइंट है आपका, वो है आधार पर अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिबल, मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम जो स्ट्रेस है वो कितना होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे निकलेगा, प्लस करके, और जो मिनिमम है वो निकलेगा आपका माइनस करके। तो प्लस करके यहाँ पर हमने डब्ल्यू अपॉन बी इंटू वन करा, एम प्लस एम अपॉन जेड करा, इसमें वैल्यू पुट, जेड की वैल्यू निकाल दी सेक्शन मॉडुलस की, और हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद मिनिमम में आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस कर दिया और मिनिमम निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जो माइनस का यहाँ पर आप देख रहे हैं, माइनस का साइन ये दर्शा रहा है कि न्यूनतम प्रतिबल तनाव विकृति प्रकृति का होगा, मतलब कि कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं। तो आज की क्लास के लिए इतना, थैंक यू।